विकास सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी वाली टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं, जिस पर केंद्र मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लोकसभा में करारा हमला करते हुए कहा कि सोनिया जी, आपने द्रौपदी मुर्मू के अपमान को मंजूरी दी है। सोनिया गांधी ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन महिला के अपमान को मंजूरी दी है। हालांकि स्मृति ईरानी के इस हमले के बाद थोड़ी देर में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सदन में मौजूद थी और उन्हीं के सामने स्मृति ईरानी ने उन पर हमला किया। आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार पर लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गई और इसके लिए बवाल करना, ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसाला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के, सिंपली द इश्यू इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। को राष्ट्रपत्नी कहकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बुरा फंस चुके हैं, जहां इसको लेकर आज सदन में भी काफी हंगामा हुआ। स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर सोनिया गांधी पर हमला बोला और सीधे तौर पर सोनिया गांधी को घेरते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आपने राष्ट्रपति के अपमान को मंजूरी दी है आप, और साथ ही साथ कांग्रेस पर महिला और आदिवासी विरोधी पार्टी होने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि जब स्मृति ईरानी आरोप लगा रहे थे तो उस वक्त सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीधे तौर पर तल्ख नजर आ रही है बीजेपी और स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर तंज कसा है। अधीर रंजन चौधरी हालांकि इसके लिए माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे चूक हो गई, लेकिन इसके लिए अब सोनिया गांधी को टारगेट किया गया है, सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं जी? शिखा, आपको बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा के नेता और बंगाल से आने वाले अधीर रंजन चौधरी के एक बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस में तानातानी देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की जीवन फिसलती है और वो देश की महामहिम को राष्ट्रपति ना कहकर राष्ट्रपत्नी से संबोधन कर देते हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से माफी मांगी जाती है और इसको लेकर भाजपा के नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। और वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस की अगर देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनकी तरफ से मामले पर पूरी तरह से सामने खुलकर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो आदिवासी समाज की महिला और गरीब समाज की महिला को राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहती है और वो पहले इसका विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वो देश की महामहिम की कुर्सी पर बैठी हुई है, तो उनका सम्मान करना कांग्रेस सीखे और इस चीजों को ना करे। वहीं आपको बताएं कि इसमें जो ये सब जो चीजें हुई लोकसभा के अंदर में, ये कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के मौजूदगी में हुई, जिसको लेकर जो भाजपा के नेता है वही बात की जाए
जो खास करके महिला नेत्री है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तरफ से सोनिया गांधी से सवाल पूछा गया, तो उसमें सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया डोंट टॉक टू मी, यानी कि मुझसे आप बात न करें। कहीं ना कहीं अगर देखें तो दोनों आपस में लड़ते हुए आज संसद में नजर आए हैं। वहीं आपको बताया कि अधीर रंजन चौधरी की तरफ से जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला बिरला, उनकी तरफ से पत्र लिख के कहा गया है कि मैं सबके समक्ष लोकसभा में माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं बंगाली हूँ और मेरी जबान फिसल गई, इस वजह से मैंने इस तरह का संबोधन किया, मेरे द्वारा जो शब्द चुने गए हैं वो मैंने जुबान फिसलने की वजह से है, ना कि मैं सोच समझ कर इन सब चीजों को बोला हूँ। वही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस का जो आदिवासी समाज का जो विरोध करने का जो प्रक्रिया है, जो आदिवासी समाज का शुरू से वो विरोध किया है, साथ ही साथ गरीब को नहीं चाहता था कि वो राष्ट्रपति बने, इसको घेरते हुए राकेश त्रिपाठी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस का जो असली चेहरा है आदिवासी विरोधी गरीब विरोधी वो सामने आया है। अब देखने वाली बात ये होगी शिखा कि इसमें जो अब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, और जो उनकी तरफ से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है कि जो समय मांगा गया है वो क्या समय देते हैं, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। जी शिखा, विभांशु एक तरह से अधीर रंजन चौधरी माफी मांगने की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात को एजेंडा बनाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस छोटी सी बात को एजेंडा बना रही है भाजपा। तो वही अगर बात करें बसपा प्रमुख मायावती की, तो उन्होंने भी इसे निंदनीय बताया, जिस तरह से टिप्पणी करी गई है राष्ट्रपति को लेकर, तो इसे निंदनीय बताया है, किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल शिखा, आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की सुप्रीमो सुश्री मायावती की तरफ से ट्वीट करके और इस अशोभनीय भाषा को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं ये मर्यादा की बोली नहीं है और मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए, और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि अपेक्षित लोगों को उन्होंने साफ तौर पर देखे तो जो राष्ट्रपति की गरिमा होती है उसकी बात की है, और अगर देखें तो उन्होंने खुलकर ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं किया है, बल्कि अधीर रंजन को साफ तौर पे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जो आदिवासी समाज की महिला जो देश की महामहिम की तौर पर चुन के आई है, 15वें राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल रही है, उन्हें मर्यादा में रहकर बात करना चाहिए, ना कि उन्हें अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वही आपको बताएं कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो शुरू से ही आदिवासी समाज की विरोधी रही है, गरीबों की विरोधी रही है, और साथ ही साथ जो संविधान को ठेस पहुंचाने का काम करती रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कांग्रेस के जो जिम्मेदार नेता हैं उनकी तरफ से क्या बयान आता है। अगर वही बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि ये जबान फिसली है, ना कि उन्होंने सोच समझ कर बोली है। और वही अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से पत्र लिखकर ओम बिरला को, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखकर उन्होंने जो समय मांगा है और कहा है कि मैं समक्ष पूरे संसद के जो सम्मानित गण हैं उनके सामने महामहिम से माफी मांगूंगा कि मैं ये जुबान फिसलने की वजह से मैंने इस तरह का संबोधन किया, ना कि दिल से और दिमाग से समझ के किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिखा की जब इस पे क्या कार्रवाई होती है ओम बिरला की तरफ से, और क्या उन्हें वाकई में माफ किया जाता है या उन्हें जो संसद भवन है उसमें बोलने का और माफी मांगने का समय दिया जाता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सराफा व्यापारियों की गाड़ी को रोककर गाड़ी से सोना और चांदी लेकर फरार हुए अभियुक्तों को धर दबोचा है। बता दें अभियुक्तों के पास से लगभग 116 किलो चांदी, सोना और करीब लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई है, जिसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने प्रेस वार्ता करके दी। मैं संक्षेप में घटना के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे अमर सिंह एक सर्राफा व्यापारी हैं, उन्होंने और उनके पांच व्यापारियों ने अलग अलग छह मुकदमे लिखाए थे, और मुकदमे में ये कहा गया था कि एक अभियुक्त अमित अग्रवाल हैं। अमित अग्रवाल ने लोगों से चांदी लिया, फिर रिफाइन करके हम आपको वापस दे देंगे, वापस नहीं किया उसको लेके चले गए। मुकदमा लिखाया, हम लोग तफ्तीश करते रहे, फिर इनका हम लोग पीछा करते रहे,
करते करते तब पता चला कि इन्होंने दतिया से किसी आदमी बुला करके उसको कुछ अपना सामान हैंड ओवर किया जो चांदी वाला था। अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई, इनका ये कहना है कि हमारा काम ये था कि चांदी हम लोग लेते थे, रिफाइन करके रिफाइन चांदी देते थे, कि मेरे बिजनेस में घाटा होने लगा था, मेरे ऊपर अपने जो व्यापारी बंधु थे उनका बहुत सारा बकाया रह गया था, उस बकाया को वापस देने के लिए हमने ये फ्रॉड किया था। चांदी और कैश बरामद किया है पुलिस को, सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने व्यापारियों की गाढ़ी कमाई को पहले अभियुक्तों से बचाया, उसके बाद व्यापारियों को लौटाया है। कमिश्नर डीके ठाकुर की मेहनत रंग लाई है, सोना लेकर फरार अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचा है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से शादाब जुड़ चुके हैं। शादाब, पूरी जानकारी चाहेंगे, कब की घटना है, कब हुई थी ये इतनी बड़ी चोरी और जिसके बारे में पुलिस कमिश्नर ने पूरी जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। थाना चौक में एक FIR करवाई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मेरा इतना सामान गया हुआ है, तकरीबन 5 करोड़ की जो सोना और चांदी का वो गायब हुआ है। फिलहाल जो आज लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस जो थाने चौक पुलिस है उन्होंने आज बड़ा गुड वर्क किया है, जिसमें एक अमित अग्रवाल नाम के बंदे को गिरफ्तार किया है, उसके पास से तकरीबन 1 करोड़ का जो सोना और चांदी बरामद की गई है। फिलहाल जो अभी 1,600 चांदी है और साथ ही 445 ग्राम जो सोना बरामद हुआ है, उसकी कुल कीमत जो बताई जा रही है वो 1 करोड़ की बताई जा रही है। फिलहाल जो थाना चौक की टीम है और साथ ही सर्विलांस टीम ने ही इन लोग की इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, और साथ ही जो पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हैं वो मौके पे आए थे यहाँ और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि इसको जो इनकी टीम थी वो झांसी भी गई थी, झांसी के बाद गुड़गांव से ही तो वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया, और साथ ही 2 गाड़ियां 4-व्हीलर भी बरामद की गई है, और साथ ही इनके पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं, और साथ ही एक किया गाड़ी है और एक स्विफ्ट गाड़ी है उसको भी बरामद किया गया है। जी शादाब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस को जितनी बड़ी सफलता हाथ लगी है कितने कम समय में लगी है। देखिए ये 1 हफ्ता पहले का मामला है, 1 हफ्ता पहले व्यापारी 5 व्यापारी थे जिन्होंने मुकदमा लिखवाया था, उसके बाद से पुलिस एक्टिव हुई थी और ये 1 हफ्ते के अंदर ही इन्होंने इसका खुलासा कर दिया है, और फिलहाल जो अभी भी बरामदगी या बाकी है या इसमें कौन लोग हैं उनकी भी अभी पूछताछ और दबिश चल रही है। अभी फिलहाल जो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसके पास से तकरीबन एक करोड़ का सामान बरामद किया गया है। जी शादाब, इन चोरों के गैंग की अगर बात करी जाए तो क्या इनका गैंग बहुत बड़ा है, और क्या लगता है इन गैंग के पास से और भी सोना चांदी और कैश बरामद हो सकता है अगर इन तक पहुंच बना ले पुलिस? देखिए बिल्कुल, अभी फिलहाल जो एक बंदे की गिरफ्तारी हुई है वो अमित अग्रवाल बताया जा रहा है, फिलहाल जो और लोग हैं अभी इसका ना पुलिस बता पा रही है और साथ ही और ना ही जो व्यापारी हैं, व्यापारी भी अभी कुछ कहने से मना कर रहे हैं, और साथ ही बस ये अमित अग्रवाल को पुलिस ने पकड़ा है जिसके पास इतनी बरामदगी हुई है और साथ ही जो पैसा बरामद हुआ है और गाड़ी बरामद हुई है। अभी फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार दबिश दे रही है और साथ ही और कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है, लेकिन जो ये बड़ा जो गुडवर्क किया है ये काबिले तारीफ है, और साथ ही पुलिस डीके ठाकुर ने जो पूरी टीम है चौक थाने की और साथ ही जो सर्विलांस टीम है इनको 25,000 का नगद पुरस्कार देने की भी बात कही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शादाब सिद्दीकी जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। मैनपुरी में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 1 अप्रैल 2021 में एक आदेश पारित किया गया था कि सभी ग्राम पंचायतों की गलियों में लगे विद्युत पोलों पर जरूरत के हिसाब से लाइट लगवाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रधानों और उनके सचिवों को सौंपी गई थी। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लाइटों के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। बता दें कि गांव में ब्रांडेड लाइट का भुगतान कराकर लाखों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। गांवों में लगी लाइटों में से अधिकतर खराब हो चुकी है, जो की अब सिर्फ शोपीस का काम कर रही है। कितने समय से हैं आप यहाँ प्रधान? वर्तमान अभी
अच्छा, यहाँ पे एलईडी लाइटों का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था जो कि आपके यहाँ लगी हैं जी, क्या मूल की हैं वो लाइटें? 3850 की बिलिंग की। 3850 की, कितने वाट की हैं ये लाइट्स? 45 वाट की। कितनी लाइटें जल रही हैं आपकी ग्राम पंचायत में जी? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि चार गांव में लगी थोड़ी थोड़ी लाइटें। राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की हुई थी, लास्ट ईयर ही लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया था। इसमें क्षेत्र पंचायतें भी लाइट लगा सकती थी और जिला पंचायतें भी लाइट लगा सकती थी, लेकिन ग्राम पंचायतों को इसलिए कहा गया हुआ था कि स्थानीय स्तर पर अपनी आवश्यकता और सुविधा को देखते हुए लाइटों का वो अधिष्ठापन करें। खबर सामने आ रही है जहां ग्राम प्रधान पर लाइट लगवाने में धांधली का आरोप सामने आया है और ये प्रस्ताव सीएम की योजना के तहत सामने आया था, जहां विद्युत पोलों पर लाइट लगाने की बात कही गई थी प्रकाश के लिए, लेकिन ग्राम प्रधानों द्वारा इसमें घोटाला किया गया है। रुक करते अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद युवती ने थाने पहुंचकर अपने आप को लव जिहाद से बचाने की गुहार पुलिस से लगाई। बता दें कि महिला ने लिखित शिकायत इंद्रपुरम थाना पुलिस को दी है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मुझे वो खूब टॉर्चर करता था, मुझे ताले में बंद कर करके चला जाता था, खूब मारता था। मेरे पास फोटो भी हैं जो मैं दिखा सकती हूँ। मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सामने भी नहीं रख सकती हूँ। खैर, ऐसी ऐसी फ़ोटो हैं। मुझे खूब टॉर्चर करता था, मुझे दो दो दिन तीन तक मुझे कपड़ों से बांध के तकिए से मुँह बंद करके मैं बोलती थी थाने तक जाऊँगी, पुलिस तक जाऊँगी। मुझे जाने नहीं देता था, मेरे मोबाइल तोड़ना, मेरे मुँह बंद करके मुझे खूब मारना, मुझे भूखा रखना, प्यासा रखना, साथ में मेरे बेटे को भूखा प्यासा रखना। वहाँ से मैं अकेली भाग। देखिए, एक सिख धर्म की महिला मेरे पास कल आई हुई थी अपनी समस्या लेके, जहाँ पर एक सहनवाज नामक इंसान जो कि मुस्लिम धर्म से है, उसने अपना नाम बदलकर इनसे दोस्ती करी, अपने प्यार के झांसे में इनको फंसाया और लगातार 7-8 साल इनके साथ शोषण किया। क्या इन्होंने विरोध किया तो इनके ऊपर हाथापाई की गई, इनको बुरी तरीके से मारा गया, जो कि वीडियो भी हैं, फोटोज भी हैं, सब इनके पास मौजूद हैं, हर चीज़ जो भी प्रूफ है उसका। तो हम यहाँ आज इंद्रपुरम थाने में आए हैं और यहाँ पे उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा रहा है अच्छी धाराओं में उसके खिलाफ। थाना क्षेत्र इंद्रपुरम की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा अभी तहरीर दी गई है कि उनके साथ कोई व्यक्ति 8 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहा था, जिससे उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ था। अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति उनके साथ रह रहा था वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा, उसके आधार पर इनके द्वारा तहरीर दी गई, FIR पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है जहां युवती ने अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद की गुहार भी लगाई है। सिख युवती के साथ लव जिहाद का ये मामला गाजियाबाद से सामने आया है। पीड़िता ने अपनी तहरीर पुलिस को दे दी है, तो वही पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है। इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस सिख युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है, पूरी जानकारी चाहेंगे, कितने साल से ये युवक को जानती थी और युवक ने किस तरह से धोखा दिया? जी, आपको बता दूं, ये गाजियाबाद इंद्रपुरम का पूरा मामला है, जहां पर एक युवती जो सिख समुदाय से युवती है, उसके साथ एक व्यक्ति अपने संबंध बनाता है, संबंध में अपना नाम वो सुमित यादव बताता है, जिससे कि उसको युवती को गुमराह करता है और गुमराह के बाद साथ साथ पिछले 8 साल तक उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध के बाद कहीं ना कहीं ये एक लव जिहाद का मामला सामने देखने को मिला है इंद्रपुरम के पास। बात करें अगर युवती की, तो युवती का साफ तौर पे कहना है कि जब युवक के साथ वो उसके साथ बिहार जाती है, तो बिहार जाने के बाद उसको पूरी हकीकत पता चलती है कि युवक किस समुदाय से है। जहां तक बात करें वहां युवक की, तो युवक ने उसके साथ मारपीट भी करी है, काफी समय तक उसको कमरे में बंद करके भी रखा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो क्रूरता दिखाई गई है उस युवक द्वारा, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, उस महिला से एक बच्चा भी है, जो कि बच्चे का, जो महिला का कहना है, महिला साफ तौर पे कह रही है कि बच्चे का धर्म परिवर्तन करना चाह रहे थे, साथ ही साथ वो महिला का भी धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे थे, उसको बोल रहा था, वो लगातार प्रेशर कर रहा था कि वो भी उसका धर्म अपनाए, ना कि वो अपने धर्म में रहे।
और महिला काफी समझाने के बाद भी कहीं ना कहीं उस युवक ने महिला को एक सांत्वना देने के लिए मंदिर में जाकर उसके से शादी कर ली और कहीं ना कहीं एक एक खाना पूर्ति जिसको कहते हैं वो समझ हो सकती है। तो महिला जब इस चीज से पीड़ित ज्यादा नजर आई तो उसने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद की गुहार करी। तो वहीं कुछ ऐसे सामाजिक लोग थे जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे, उस महिला के साथ उन लोगों ने हाथ से हाथ बढ़ाकर कंधे से कंधा मिलाकर उसकी तहरीर इंदिरापुरम थाने में दर्ज करवाई, जहां पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके आधार पर पुलिस सभी मुख्य धाराओं में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। जी जी प्रवीण, लव जिहाद साथ ही साथ घरेलू हिंसा के अलावा कौन कौन से मुकदमे दर्ज हो सकते हैं इस व्यक्ति पर? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सरकार बड़े कड़े रुख अपना रही थी, बीच में जो लव जिहाद के काफी केसेस सामने निकल कर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक प्रावधान भी रखा था जिससे कि 10 लाख रुपए की जुर्माना साथ ही साथ कड़े सजा के निर्देश दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो अब लव जिहादी जो है खासतौर पर फिर दोबारा ये उभर के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं और जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरह से लगातार जो एक धर्म परिवर्तन की जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ये काफी संगीन है। और इसमें आपको बता दूं कि जो अगर मुलजिम के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे खासतौर पे बहुत ही गंभीर धाराओं में दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पिछले 8 साल से महिला के साथ गलत संबंध बनाए हुए था और उसके साथ लिविंग में रह रहा था, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा हुआ है बच्चे का भी DNA चेक होगा, उसके बाद ही कन्फर्म हो पाएगा कि आखिर ये बच्चा है किसका। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे गाजियाबाद से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।